भाभी जी के मोहल्ले में आखिरकार हो क्या रहा है भाई? आधे लोग तो आंख पर पट्टी बांध कर गांधारी के नक्शे कदम पर चले हैं, तो वही तिवारी जी तो एकदम टूट फूट गए हैं भाई। कोई ठीक ठाक है तो वो बस एक ही इंसान है, और कौन? हमारे विभूति नारायण। भाभी जी के मोहल्ले में तोड़फोड़ मची हुई है, लेकिन सामान या घर की नहीं बल्कि इंसानों की। तभी तो तिवारी जी के शरीर पर जगह जगह पट्टियां बंधी है। और क्या भाभी जी और क्या मोहल्ले वाले सभी गांधारी बन गए हैं, यानी आंखों पर काली पट्टियां बांधी हुई हैं। अगर सही सलामत है तो वो है विभूति नारायण। अब इससे पहले कि हम आपको ये बताएं कि तिवारी जी का ये हाल कैसे हुआ है, जरा इन सब की बातें सुन लीजिए। देखिए विभूति जी, आपको देखकर हमें दो आइडिया आ रहे हैं दिमाग में। पहला आइडिया ये है कि किसी मुक्केबाज को बुलवा कर मुक्के मरवा मरवा के आपका चौकटा बिगाड़ दे ताकि आप हम देख ही ना पाए। और दूसरा आइडिया, अगर आपको ये पट्टी वाला आइडिया इंसल्टिंग लग रहा है तो पहले वाला आइडिया रख लेते। पट्टी वाला आइडिया है। अभी तिवारी जी अपनी भड़ास विभूति पर निकाल ही रहे थे कि तभी वहाँ आ पहुँचे आँखों पर पट्टी बांधे मलखान टीका और टीलू, और लगे विभूति नारायण को कोसने। क्यों, क्या हुआ? भैया जी, आज सुबह हम हल्के होने के लिए ना पास के खेत में जाने के लिए निकले थे। अब हमारी आँखों में तो पट्टी बंधी हुई थी, हमें वो देखो ही ना, पर हम ना मां साहब के घर में घुस गए। ये माँ साहब ने ना अपने हॉल में वो मुलायम सुन रहे हैं, गलीचों बिछा रखो है, तो हमें लगो कि मुलायम मुलायम घास है, तो बड़ा मजा आओ और मूड भी बन गो। तो हम वहीं पर होलिए फिर भैया, वहीं पर हल्के हलिए। आंखों पर पट्टी बांधने के बाद क्या पता कि विभूति नारायण पास में ही खड़े हैं। अरे तुम्हें क्या क्या बताएं सेठ जी, उस मनहूस नल्ले विभूति सेठ जी की वजह से मेरे घरों में खराब है। लेकिन आखिर मोहल्ले के सारे लोग विभूति नारायण से आज बचना क्यों चाहते हैं? एक्चुअली एक स्टोरी है हमारी जिसमें विभूति जी मनहूस हो जाते हैं, और जैसे ही उनको देखते हैं तो कुछ ना कुछ एक्सीडेंट हो रहा है। बेचारे लड्डू के भैया तो काफ़ी टूट फूट चुके हैं, काफ़ी बॉडी पार्ट्स उनके टूट गए हैं, तो सब ने बचने के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है। अब विभूति का चेहरा देखने से कोई मुसीबत आएगी? ये किसी का मजाक है या इनका अंधविश्वास, ये तो एपिसोड में ही पता चलेगा। और देखना तो ये भी होगा कि विभूति जी इस मनहूस होने की बात से कैसे छुटकारा पाएंगे। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।